आप बोलोगे मैं डायरेक्ट इसमें क्यों पी रही हूँ, क्योंकि मैं इस वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, और शाम का ही सारा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ब्लॉग एंड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। बाकी आप लोगों को सब पता होगा यूट्यूब का जितना रूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और आप लोग बताइएगा कि आपके शहर में कोरोना का क्या हाल है। मेरे शहर में तो बहुत बुरी हालत है यहाँ की। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ये वही टी शर्ट है जो मैंने फ्लिपकार्ट से कॉम्बो सेट में मंगाया था, जो कि एक ब्लैक है, जिसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा। और ये दूसरा टी शर्ट है, ये भी जो है ना काफ़ी अच्छी है देखने में, और देखने के साथ साथ जो है गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, समर के लिए। इसका देखिए जो प्रिंट है बहुत अच्छा है, फ्लोरल प्रिंट है, और बहुत अच्छा लगता है पहनने पर, बहुत कूल लगता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये टी शर्ट तो प्लीज़ जाके आप फ्लिपकार्ट पर चेक कीजिएगा, ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। और रही लिंक की बात तो आप लोग सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, लिंक मैं नहीं शेयर कर सकती। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी शाम है और मैंने जो है ना कपड़े डुबो के रखे थे, तो चलिए आज मैं पहले कपड़े ही धो लेती हूँ। शाम को आज बरांडे में कपड़ा नहीं धोऊंगी, क्योंकि देखिए बाथरूम में कितना अंधेरा रहता है। ये कच्चा बाथरूम है ना, अभी पूरा टाइल्स नहीं लगाया, और मैंने जो है इसमें लाइट भी नहीं लगाया है, इसलिए जो है ऐसा दिखता है पूरा, देखिए कितना अंधेरा है। तो मैं जो है यहाँ देखिए ये जो बाल्टी में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं इसे वॉश करूँगी अभी, तो पहले वॉश कर लेती हूँ। डिटॉक्स वाटर, जो कि आपके शरीर की जिंदगी सॉरी आपके शरीर की जितनी भी गंदगियां हैं उसे साफ करती है। डिटॉक्स हमें ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम आजकल अनहेल्दी लाइफ जो जीते हैं उसे जो है शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्स मीन्स वह आपका शरीर को जो साफ करे वो प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो होता है सबसे अच्छा स्रोत होता है पानी, और पानी के साथ जो होता है हम लोग अगर कुछ हर्ब मिला दे तो बहुत अच्छा होता है। और ये हर्ब और कुछ नहीं होता है, जीरा, मेथी, लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें आप जो है मसाले का जो आप इसमें डालोगे तो ये जो है आपका शरीर का अच्छा डिटॉक्स करेगा।
इसमें देख सकते हैं मैंने आज मिलाया है मेथी 1 चम्मच और एक छोटा सा जो दालचीनी का टुकड़ा मिलाया है। मैंने इसे दोपहर में डाला था, अभी तक नहीं पिया है और मुझे ये 1 लीटर जो है ख़त्म करना है, तो मैं ये पी के रहूँगी। आप बोलोगे मैं डायरेक्ट इसमें क्यों पी रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं ही ये पीती हूँ इसीलिए। तब मैंने कपड़े तो धुल लिए हैं और उसे अपने साइड में डाल दिया है सूखने के लिए, और बर्तन जो सुबह धो के रखे थे उसे जो है मुझे सेट करना है, उसके बाद बरांडा झाड़ू करना है, बहुत सारे काम है, और इतनी गर्मी में जो है रात का डिनर भी बनाना है। आप लोग बताइएगा रात का डिनर बनाने में गर्मी टाइम में कैसा लगता है आप लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता खास करके गर्मी में, और ठंडा में जो है बन भी जाता है। और हमारे गांव में जो होता है ना लकड़ी वाला चूल्हा होता है, उस पर बनाने में गर्मी में और भी मुश्किल होती है। मुझे अपने शादी के पहले के दिन याद आते हैं, जब मम्मी के यहाँ थी तो वहाँ लकड़ी का भी चूल्हा रहता था और गैस भी रहता था, मगर हम लोग का फैमिली ऐसा है ना जो है बहुत कुछ, मगर हमेशा मिट्टी से जुड़े रहने का जो है, मतलब आपके पास अवेलेबल है हर चीज़, मगर जो चीज़ यूज मतलब होता है ना उसे फेंक नहीं सकते। जब खेत में हो रहा है, हमारे यहाँ खेत में जो है लकड़ी और जितने भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ जलाई जाती थी, तो वो जो है वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो अक्सर जो है मम्मी जो है आग पर ही खाना बनाया करती थी, हम लोग भी बनाते थे और बहुत अच्छा लगता था वो सब दिन। तो गर्मी के सीजन में ना शाम का खाना बनाने का किसी का मन नहीं करता था, और शाम का खाना बनाने का मन नहीं करता था क्योंकि आग पे शाम का खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर आप रोटियां बेल रहे हो ना तो एक तरफ पसीना, इतना पसीना आता था ना जो लगता था हम नहा के उठे हैं, और मैं बहुत नहीं बनाना चाहती थी। कभी कभी मम्मी को बोलती थी गैस पे बनाऊंगी, मम्मी ये नहीं करती थी कि जो नहीं तुम गैस पर मत बना, मगर होता है ना जैसा कल्चर जैसा चला आता है आदमी को वैसा ही रहना चाहिए, और इसी कारण है जो मैं, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा कि मैंने जो ये घर कैसे बनाया, तो ये वही सब परिस्थिति जो है मैं वहाँ से सीख के आई थी जो मैं यहाँ एडजस्ट हो पाई अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ। आज बहुत सारी बातें आप लोगों से कर रही हूँ, करनी भी चाहिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे आई हूँ इसलिए कि मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि आसपास से भी शेयर नहीं कर सकती, और मेरे परिवार में भी जो है मेरे ब्लॉग बहुत कम लोग देखते हैं, तो ये सारी बातें वो लोग को भी नहीं पता होंगे होगा, मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, और ये सारी बातें जो है मैं किसी से नहीं बोल सकती, बस आप लोगों से बोल सकती हूँ, इसीलिए जो मैं बैठ गई हूँ आज लग रहा है जो पूरा बात आप लोगों को बता के जाऊँगी। तो वहाँ कुछ ऐसा होता था, अभी भी मेरे ससुराल में मैं जाती हूँ तो लकड़ी पे ही खाना बनता है, मम्मी अभी भी लकड़ी पे खाना बनाती है, ज़रूरत पड़ने पर ही जो है गैस जलाती है, किसी चीज़ का मिसयूज जो होता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो अक्सर है गांव में हर आदमी को जो है सरकारी वाला गैस मिल गया है जो सिलेंडर और ये जो होता है, तो लकड़ियाँ भी कोई खरीदता नहीं, पहले था जो लकड़ियाँ मम्मी बेच भी लेती थी, अब जो है घर में ही पड़ा रहता है। और इस टाइम पे ना खास करके मुझे घर की बहुत याद आती है, अभी मैं अपने बहन से बात कर रही थी यही बोल रही थी कि मुझे ना मन नहीं लग रहा मैं तो कहाँ जाऊँ इस टाइम पे लॉकडाउन और ये बीमारी के कारण कहीं जा भी नहीं सकती बच्चों को लेके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ कुछ देर में, तब तक मैं किचन का जो काम है सेट कर लेती हूँ। चलिए आप लोग भी किचन में, और ब्लॉग काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ा सा कट कूट के मैं डालूँ, तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग भी। Thank you.
तो फ्रेंड्स काफ़ी शाम हो चुकी है, सूर्य भगवान जो है नीचे चले गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो है थोड़ा थोड़ा धूप मेरे आंगन में अभी भी है और मैं कर रही हूँ झाड़ू। जैसा कि आप लोगों को पता है शाम सुबह मैं यहाँ झाड़ू करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में, कल वाली ब्लॉग में, तो ज़रूर आप लोग आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।